आज की बड़ी मौसम विभाग की रिपोर्ट लेकर आ चुके हैं, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है कि मौसम किस प्रकार से अपना मिजाज बदलेगा, क्या गर्मी पड़ेगी या फिर बारिश आने की कोई संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल मौसम विभाग की रिपोर्ट है और आपको हर रोज़ इस चैनल पर मौसम विभाग की रिपोर्ट देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मौसम विभाग की रिपोर्ट आप किसी भी राज्य में रहते हो आपको सबसे पहले मिले, दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक करना होगा। साथ ही दोस्तों, नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि दोस्तों आप हमारे वीडियोज और साथ ही मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले देख सकेंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य ही दबाइएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, ये आज की रिपोर्ट है। दिल्ली में अगले 48 घंटों में और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने चेताया। आपको बता दें, दिल्ली वासियों के लिए पिछले 2-3 दिन सुकून से बीते हैं, गर्मी और हवा भी चल रही है, लेकिन बुधवार से मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से दिल्ली में पारा एक बार फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा। चिलचिलाती धूप के साथ पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जाने के आसार है। इसलिए अगर घर से बाहर निकलने से पहले पूरा इंतजाम करें, यानी कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पूरा इंतजाम करके ही निकले, छाता वगैरह लेके निकले, क्योंकि गर्मी बहुत ही तेज पड़ने वाली है। अब दिल्ली की बात कर ली है तो पूरे देश की भी बात कर ही लेते हैं। कुछ दिनों में बढ़ सकता है गर्मी का प्रकोप, तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोतरी। आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग यानी IMT के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। सोमवार को जारी IMD बुलेटिन के अनुसार इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जिसके साथ हीट वेव गर्म हवाएं चलने वाले जिस लू कहते हैं जैसी स्थिति हो सकती है। 9 और 10 मई को उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले अगले दो दिनों में विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में शुष्क हवाओं के साथ चलेगी गर्मी। IMD के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक चरण सिंह ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन हम यह नहीं बता पाएंगे कि हीट वेव की अधिकतम स्थिति क्या हो सकती है। तो इस प्रकार की मौसम रिपोर्ट थी आज की, जो कि हमने आपको बता दिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक कर सकते हो, बेहद ही पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मौसम रिपोर्ट पाना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।